हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डायल पैड ट्यून सेटिंग को हम कैसे ऑन कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है मोर साउंड एंड हेल्पेज, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर दिखा रहा है डायल पैड ट्यून्स। तो डायल पैड ट्यून्स को हम राइट साइड से ऑन कर लेंगे और आपका ये ऑन हो जाएगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप अपने डायल पैड पर जाएंगे फ्रेंड्स। डायल पैड पर जाते ही कोई भी आप नंबर वगैरह डायल करते हैं तो यहाँ पर एक साउंड आती है, ये देखिए नंबर डायल करने की साउंड आ रही है। तो इसको बोलते हैं डायल पैड ट्यून। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।